अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हमवतनों, मेरा नाम है साद और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं YouTube की तरफ से गिराए जाने हुए नए बम के बारे में। अब 2017 के स्टार्ट में YouTube ने हमें कहा था कि वो अगले 2 सालों के अंदर कुछ काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करने वाले हैं। उसमें कहा गया था कि हम ऐसे अपनी टेक्नोलॉजी को करना चाह रहे हैं, AI को YouTube की इस तरह लाना चाह रहे हैं कि वो फजूल घटिया और बेकार कंटेंट वाली वीडियोस को ट्रेंड में ना लेकर आए। 2017 के अंदर ये हम लोगों ने देखा था कि 10,000 व्यूज़ अगर आपके जब पूरे होते थे तब आपकी मोनेटाइजेशन इनेबल होती थी। और आज जनवरी 2018 के अंदर एक नई चीज़ और नई ऑप्शन को YouTube ने हमारे सामने रखा है, ऑप्शन तो नहीं, एक नया रूल जो है YouTube ने हमारे सामने रख दिया है, जिसकी वजह से काफ़ी नए यूट्यूबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं। वो काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आए कि साथ भाई हम क्या करें कि हमारे अब हमें यूट्यूब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। काफ़ी मैं पोस्ट भी देख रहा हूँ फेसबुक के ऊपर के हम तो YouTube पे काम करना नए यूट्यूबर्स के लिए इम्पॉसिबल हो गया और अब पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने कहा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और ताकि आप लोगों को बता सकूं कि वाकई ऐसा कुछ है या आप लोगों को YouTube पे नहीं आना चाहिए या मेहनत करनी चाहिए, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए आज मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा एंड में, तो देखते रहें। अब जो नया रूल है वो नया रूल ये है कि अगर तो आपकी वीडियोस या पूरे चैनल के ऊपर 4000 मिनट्स का वॉच टाइम हो जाए, अब वॉच टाइम के बारे में आपको मैं बताता हूँ अभी कि वो क्या होता है, और साथ में 1000 सब्सक्राइबर्स आप 12 महीनों के अंदर गेन करेंगे तो आपको मिलेगी मोनेटाइजेशन की ऑप्शन आपके चैनल के ऊपर। हाँ जी, आपको करने पड़ेंगे 4000 मिनट्स वॉच टाइम के। अब 4000 व्यूज की बात नहीं हो रही यहाँ पे, व्यूज और वॉच टाइम में काफी फर्क होता है। अब वॉच टाइम जो है वो किस तरह कैलकुलेट होता है वो मैं आपको बता दूं कि 1 मिनट की अगर आपकी वीडियो है और उसको 10 लोग देखते हैं तो वो वीडियो अगर 10 लोग 1 मिनट के लिए पूरी देखें तो 10 मिनट का वॉच टाइम हो जाएगा आपके चैनल पे, आपकी वीडियो पे, या इंटायर आपका जो वॉच टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 10 मिनट। इसी तरह आपने करने हैं 4000 मिनट का वॉच टाइम और साथ में 1000 सब्सक्राइबर्स गेन करने हैं। और अब ये बात ये उठती है कि क्या ये बहुत मुश्किल है, ये हो नहीं सकता, तो मैं आपको बताऊं यार ये ज़रा भी मुश्किल नहीं है। अगर आप काम करना स्टार्ट करो, अगर आज आप महीने में या हफ्ते में 2 वीडियोस अपलोड करते हो तो 3 करो, 4 कर लो, ज़्यादा वीडियोस अपलोड करो, ज़्यादा व्यूज़ लेकर आओ। और अभी तो मैं आपको ये बताता चलूँ, अभी थोड़ी सी टाइम है इसको इम्प्लीमेंट होने में, फरवरी के अंदर ये इम्प्लीमेंट होगा, उस वक्त तक के लिए आपके पास अभी 30 डेज का टाइम दिया गया है YouTube की तरफ से, आपके पास 30 दिन हैं अभी, ये इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लो तो आपकी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी। और अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ये काम अगर आप कर सकते हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी इसमें चेक हो जाएगी। जो यूट्यूबर्स सिर्फ पैसा कमाने के लिए ट्रेंडिंग में वीडियो डालने के लिए आते हैं यूट्यूब में, वो चीज़ अब पता लगेगी कौन सच्चा यूट्यूबर है, कौन बड़ा यूट्यूबर बनना चाहता है, कौन कंसिस्टेंटली और मेहनत के साथ यूट्यूब करना चाहता है, ये चीज़ अब पता लगेगी। वो लोग जो बस पैसा कमाने आने चाहते थे, मोनेटाइजेशन हासिल करके कर दी, वीडियो ट्रेंड में चढ़ा दी और पैसा कमा के ले गए, अब वो लोग थोड़े से फिल्टर होने लग जाएंगे, क्यों कहेंगे यार इतनी मेहनत कौन करे, पहले 4000 मिनट का वॉच टाइम लेके आए, 1000 सब्सक्राइबर्स गेन करें, पहले तो लोग 0 सब्सक्राइबर्स पे एक वीडियो ट्रेंड पे चढ़ाते थे, पैसे कमाते थे और भाग जाते थे यूट्यूब से। मेरी सिंपल टिप आप लोगों के लिए बस इतनी है, कंसिस्टेंट वीडियोज अपलोड करो, अच्छी कॉन्टेंट ट्रेंडिंग वीडियोज अपलोड करो, जैसी भी वीडियोज बना सकते हो, जैसा भी कैमरा तुम लोगों के पास बनाओ, जैसी भी एडिटिंग आती है करो, थंबनेल्स अच्छे बनाओ, टाइटल अच्छे डालो और वीडियोस लोग देखेंगे, तुम लोगों की वॉच टाइम बढ़ेगा, दिन में नई वीडियोस बनाओ, जब भी टाइम मिले नई वीडियोस अपलोड करो, सब्सक्राइबर अपनी कम्युनिटी बिल्ड करो। और डीमोनेटाइजेशन को इतनी चीज़ तब मैटर नहीं करेगी जब आप एक मुकाम पे पहुंच जाएंगे बहुत मेहनत करने के बाद, एक टाइम पर आके मोनेटाइजेशन कोई मायने नहीं रखती, एक आपने जो चीज़ बिल्ड की होती है ना चैनल, उसकी वैल्यू हो जाती है। जिस तरह अब पहले तो मैं ये होता था कि मोनेटाइजेशन के पैसे का एडसेंस का जो पेज होता था मैं रीलोड करता था बार बार चेक करने के लिए, वो चीज़ पिछले कुछ महीनों से मैंने करना छोड़ दी है क्योंकि अब मुझे चैनल की वर्थ का पता लगा है, अपनी कम्युनिटी की वर्थ का मुझे पता है, अब मुझे उन पैसों से ग्रेज नहीं है कि कितने हो गए ठीक है हो गए जब तो देख लेंगे, मगर मुझे वर्थ है तो इस चैनल के ऊपर, सब्सक्राइबर्स के ऊपर, व्यूज़ के ऊपर। ये चीज़ आपको इतनी इंगेज रखेगी कि आपको मोनेटाइजेशन की फिक्र ख़त्म हो जाएगी, मगर साथ में लीगल पॉइंट ऑफ व्यूज़ और उसकी जो कॉपीराइट्स और जो भी स्ट्राइक्स हैं उनको भी ध्यान में रखना है।
तो आई होप आपको अब थोड़ा सा जो आइडिया हुआ होगा, जो लोग बहुत घबरा गए थे एकदम से YouTube की इस पॉलिसी की वजह से, अब वो थोड़े से कम ठंडे हो गए होंगे और उनको चीज़ समझ आ गई होगी और वो अब मेहनत करेंगे इंशाल्लाह और अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हमें देखने को मिलेंगे। अगर आज की वीडियो में आपने कुछ नया सीखा तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिए, नीचे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपना काम पूरी तरह से करके जाइएगा, क्योंकि मैं तो अपना काम पूरी तरह कर रहा हूँ आपको अच्छी वीडियोज़ देकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।